दोस्तों आज मैं आपको परिवार से मिलवाने वाला हूं, अपने शहर काशीपुर के एक परिवार से, जिस परिवार में 3 बच्चियां रहती हैं। इस परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, पर उसके बावजूद भी इस परिवार ने हार नहीं मानी है। वो लड़ रहा अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से। और आपसे गुजारिश है, अगर आप लोग कमज़ोर दिलवा रहे हैं तो उस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखों में आंसू ला देगा, आपको झकझोर के रख देगा अंदर से। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इस परिवार के बारे में जान सके, देख सके इस परिवार को और देख सके इनकी हिम्मत को। तो गाइस आज मेरे साथ हैं मिस्टर शंकर जी और साथ में उनका परिवार है, तो हम उनसे मिलेंगे, उनके परिवार के बारे में जानेंगे और उनकी 3 बेटों के बारे में जानेंगे। मेरा नाम ईसा है, मैं काशीपुर में रहती हूँ। तो मेरी बेटी हैं 3, 3 बेटियाँ बचपन से तो मतलब सही थी जैसा। अब जब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो हम मतलब इनको बोलेंगे ठोकर, तो हमने हम तो मोतियाबीन का नाम भी नहीं जानते थे क्या होता है। अब जब बच्चों के आँखों में हमने देखा तो हमने डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो मोतियाबिंद है। तो हम कह रहे मोतियाबिंद क्या होता, कि ये जन्म से ही होता। और फिर बच्चों के दिमाग भी कुछ ऐसी हैं 3ों के, तो सब कुछ कहते हैं कि ये जन्म से ही है, गर्भ से ही है आपके ये। तब हमने बहुत जगह दिखाया इधर उधर, बड़ी भी बेटी की आँख हमने बनवा ली पहले, मतलब कुछ मेरे मैके वालों ने करी मदद, मामा ने इनके बच्चों के, भैया ने मेरे। तो जब मतलब काफ़ी वो आया था खर्चा 30-35 हज़ार का, तो तब भी हमने कोई पैसा नहीं लगाया। अब 3 बेटी हैं, मतलब हमने पैदा करेंगे अपने ऊपर, कोई मतलब अपने भाइयों के ऊपर ही थोड़ी रहेंगे हम हर बार में। तो अब हमें यहाँ काशीपुर में कोई मतलब जान पहचान के मिले, सोनू नाम है उनका, तो वो हमें मिले। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी के मतलब बारे में हमें किसी ने पूछ दिया फ़ोन नंबर इनका, बंटी नाम है, वो भी यहीं रहते हैं काशीपुर में, उनके जान पहचान के हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को क्या परेशानी है, तो हमने कहा कि हमारी बेटियों को ऐसे ऐसे परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं करूँगा आपकी बेटियों का, आप ये समझ लेना कि क्या चाचा समझ लेना या मामा समझ लेना। तो हमने कि चलो बहुत, उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई। तो उन्होंने फिर हमें हमसे कि चाहे पैसे से मैं नहीं हटूंगा पीछे, और दिखाऊंगी ये सब में जो भी कोई परेशानी है आप इनसे बताना, यही आपका सब काम करवाऊंगी। तो इन्होंने भी बहुत वो करी है मेरी मदद। पूनम मैम ने भी अस्पतालों में मैं गई अपने रिपोर्टों के, फोन पे ही काम हो गया मतलब। हाँ तो आपके बच्चों के भी जैसे आप बता रहे हैं मोतियाबिंद की समस्या, उनके भी कुछ ऑपरेशन वगैरह हो गए? हाँ हाँ, इनके तो अभी मतलब 2 के 2 के ऑपरेशन हो गए। तो ये कैसे ऑपरेशन? हाँ, तो इन्होंने अपने सोनू भाई ने मदद करी, पूनम ने करी मदद, पूनम मैम ने बहुत मदद करी। हाँ हाँ, सब खर्चा उन्होंने दोनों ने करा, हाँ मिल बाँट के दोनों ने, ताकि हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दी उन्होंने। हमने तो एक पैसा भी नहीं उठाया, जो हमारा पैसा लगा रिक्शों में लगा, जाने में कोई नहीं लगा हमारा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीकों से हमारे बच्चों को हम रात भी रुके, कोई मतलब इनके बोतलें भी चढ़ी, दवाई वाई सब दी, जैसे औरों का होता है इलाज सब कुछ। अब हमारी एक बेटी का और रह गया, वो उन्होंने कहा इसका भी ऐसी हो, हाँ बड़ी वाली का। पर अब क्या करें, हम देखो कर सकते हैं सब कुछ, अब बाकी इनकी किस्मत है, दिमाग जब इनके कुदरती ऐसे हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं इसमें। बच्चे पढ़ते हैं पर इनका पढ़ने में भी दिमाग नहीं है। हाँ पढ़ते हैं बच्चे, मतलब जैसे पढ़ लेते हैं, लिखना नहीं आता बच्चों से खूब, हाँ फिर आँखों से है, फिर कुछ मतलब मानसिक दिमाग भी मतलब ऐसी है। मेरा नाम शंकर है, मैं चीमा पेपर में काम करता हूँ, 8 हज़ार मेरी तनख्वाह है, 3 मेरी बिटिया हैं, 3ों बिटियों का इलाज करनी है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है कुछ। ये सोनू भाई मिले, मेरे दोस्त थे, उन्होंने इनका इलाज करा, वो ही सहायता कर रहे हैं मेरी।
एक पूनम मैडम है, थोड़ी सहायता उन्होंने करी है। अब आड़ आर की नौकरी में मैं क्या कर सकता हूँ? सब मेरी सहायता यही लोग कर रहे हैं। कमरा मेरा छोटा है, थोड़ी मदद ससुरालियों ने करी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाना चाहता था, एक परिवार की स्थिति। कुछ लोग होते हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं अपनी जिंदगी से, पर आप जो मेरे पीछे परिवार देख रहे हैं, इन्होंने हार नहीं मानी है। हमारे पीछे सर है शंकर जी है, इनका छोटी सी जॉब है, चीमा पेपर मिल में काम करते हैं, मात्र 8,000 रुपये महीने की सैलरी है। और उसी परिवार में अपने तीनों बच्चों का ध्यान रखते हैं, आप देख सकते हैं तीन बेटियां इनकी। वो सबसे बड़ी समस्या है कि तीनों बेटियों को मोतियाबिंद है बचपन से ही, बच्चा पढ़ भी नहीं पा रही और मानसिक रूप से भी थोड़ा सा अपना कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में कोई इनके सामने मदद के लिए नहीं आया था, और आता भी कोई नहीं गया। जब कोई ऐसी स्थिति होती कोई मदद के लिए नहीं आता, तो ऐसी सिचुएशन में जो मैम है, मैम के पिताजी ने, भैया जी ने इनको सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, और एक सोनू सर है उन्होंने सपोर्ट किया, पूनम मैम है, पूनम मैम अपना एक NGO चलाती हैं जहाँ पर वो लोगों की मदद करती हैं, उन्होंने सब ने मिलकर उनको सपोर्ट किया। तो इन दोनों बच्चों का हमारी ऑपरेशन हो चुका है, अभी रिसेंटली हुआ है, और एक बच्ची हमारी और रहेगी जो पीछे आप देख रहे हैं बड़ी बच्ची, इसका ऑपरेशन भी होना है। तो गाइस, बस हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि लोग, कुछ लोग टूट जाते हैं, हार मान जाते हैं, अपने इरादे को कमज़ोर कर देते हैं, पर नहीं, हार मत माने, इरादे कमज़ोर मत करिए। जब ये परिवार लड़ सकता है अपनी मुश्किलों से, अपनी रुकावट से, तो आप क्यों नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं गाइस। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही इनका घर है, छोटा सा कमरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी कमरे में तीनों बच्चे अपने रहते हैं, सर हो गया, मैम हो गया, पूरा परिवार इसी कमरे में रहता है। तो वही गाइस, बस आपने हार नहीं माननी है, टूटना नहीं है, जिंदगी से लड़ना है और डटे रहना। जैसे कुछ लोग होते हैं बेटों को बोझ मानते हैं, पर मैम ने हमारे कभी बेटों को बोझ नहीं माना है, परिवार है, सब ने डट के जो मुसीबत का सामना किया। तो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक सच्ची वीडियो है, कोई मैंने ऐसे कुछ बनाया नहीं, आपको पता मैं अपने चैनल पर रियल चीज एक्सप्लोर करता हूँ, जो हमारे आसपास क्या चला वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अगर इस परिवार को कोई भी मदद करना चाहते हैं, बच्चों की मदद करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। सर का फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी डिस्प्ले पे भी आप देख लो सर का नंबर चल रहा है। आप बच्चों को जो भी मदद करना चाहते हैं, आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, पढ़ाई में या जैसे आपका सामर्थ्य, आप इनकी मदद करिए। आलतू फालतू वीडियो तो गाइस आप बहुत देखते होंगे, पर इस तरीके के वीडियो देखिए, देखिए क्या चल रहा है हमारी दुनिया के अंदर, क्या चल रहा है हमारे समाज के अंदर। तो बस गाइस, आज के वीडियो में आपको यही दिखाना था, एक यही आपको संदेश देना था मैंने। मैं ये भी नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बस इस वीडियो को देख के आपको सीखो, सीखने के लिए आपको वीडियो दिखाएगी।